डीजल के मामले में दोस्तों ये ट्रैक्टर सब ट्रैक्टर को पीछे कर देगा। ये जो है दोस्तों रोटर गियरों की, इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स दिया गया है, जो कि देख सकते हैं। और वहीं हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया कंपनी एस कंपनी का 4x4 ट्रैक्टर है, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। जो कि दोस्तों ये एजेंसी जो है अभी हमारे यहाँ बिलासपुर सकरी रोड में खुला हुआ है, देख सकते हैं इसका पूरा बैनर जो है। दोस्तों आज हम इस ट्रैक्टर की फुल डिटेल देंगे आपको, आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। एस कंपनी जो कि बहुत ही काफ़ी नामी कंपनी है, और जो कि बहुत ही बड़े बड़े और भी बनाते हैं, इसका बैकहोल लोडर वगैरह, जेएसपी भी इसका आता है दोस्तों, देख सकते, काफ़ी लोग देखे भी होंगे। तो दोस्तों ये ट्रैक्टर है एस कंपनी का TI 550, जो कि ये 50 HP की श्रेणी में आता है दोस्तों, देख सकते हैं। काफ़ी एडवांस हाइड्रोलिक्स के बारे में है, जय हो सीरीज में इसमें ब्रांडिंग देख सकते हैं, TI 550। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट लुक के बारे में। तो देख सकते हैं सामने में दिया गया 2 हाइलोजन टाइप का लाइट, और वहीं आपका एस कंपनी का लिखा हुआ ब्रांडिंग दिया गया है। उसी के जस्ट नीचे दिया गया है दोस्तों इसका फ्रंट बम्पर, देख सकते हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी है। और उसी के साथ देख सकते हैं दोस्तों इसका 4x4 का फ्रंट एक्सल जो है, कंपनी काफ़ी मजबूत हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है, ये देखिए। दोस्तों अगर टायरों की बात करें तो इसमें BKT का टायर लगा है, जो कि 9/5/20 का टायर है, ये देखिए। और वहीं बात करते हैं अगर रियर टायर की, इसमें BKT का इसमें लगा है 14/28 का टायर है, काफ़ी ज़बरदस्त कलर में देख सकते हैं, काफ़ी शाइनिंग के साथ है। दोस्तों अगर वहीं बात करें इसके पंप की, तो बोस कंपनी का इसमें 3 पंप वाला लगा है, देख सकते हैं 3 पंप का। और दोस्तों अगर इसके इंजन के अगर सीसी की बात करें, तो 3065 cc का इसका इंजन है, जो कि बहुत ही कम डीजल खपत करने वाला ये ट्रैक्टर आता है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त दमदार इंजन के साथ। चलाने वाले भाई ड्राइवर वगैरह सब जानते होंगे इसके बारे में, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में। वहीं अगर बात करें दोस्तों इसके दूसरे साइड की, इसमें दोस्तों इसमें देखे होंगे काफ़ी ट्रैक्टरों में इसमें हाइड्रोलिक ऑयल और इसका पावर स्टीयरिंग ऑयल दोनों एक साथ देते हैं, लेकिन इस कंपनी में दोस्तों दोनों अलग अलग दिया गया है, जिससे ट्रैक्टर के इंजन को काफ़ी लंबे समय तक आप चला सकते हैं, जो कि कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जैसे ख़राब होगा तो आप सिंगल भी बल दबा सकते हैं। और अगर साइलेंसर बगल में दिया गया है दोस्तों, इसका साइलेंसर है, और इसमें भी बगल में है ब्रांडिंग, देख सकते हैं। और इसमें नीचे में आया है दोस्तों इसका 4x4 का अटैचिंग, देख सकते हैं कंपनी और प्रोटेक्शन के साथ है, इसमें प्रोटेक्शन लगाया है दोस्तों, जैसे कोई मेड़ वेड़ में, खेत के मेड़ में ना पकड़े, इसलिए इसमें प्रोटेक्शन के साथ आया है। और ये साइड शिफ्ट गियर के साथ आता है दोस्तों, ये देखिए, देख सकते हैं काफ़ी शानदार। नीचे में इसका हुक लगा हुआ है ये वाला, जो कि नीचे गया है, इसको आप हाथ या पैर से भी आप अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसमें बैटरी के, काफ़ी ब्रांडेड कंपनी एक्साइड कंपनी का बैटरी लगा हुआ है हैवी ड्यूटी, और ये आपका ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है, जो कि बहुत ही बड़ा है एयर क्लीनर, देख सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों बात करते हैं रेडिएटर की, देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बड़ा वाला रेडिएटर लगा है, जो कि बड़े बड़े मशीनों में यूज़ करते हैं। और वहीं इसमें ऊपर में दिया गया दोस्तों कूलेंट वाटर, ये देखिए। और वहीं आपका पावर स्टीयरिंग के लिए भी, ऑयल के लिए एक सेपरेट बॉक्स दिया गया है। यहाँ से आप कुछ भी, जैसे दिक्कत आता है दोस्तों, एक ही हाथ से अपने बोटलनट को उठाकर कोई भी काम कर सकते हैं, ये देखिए। किसी भी तरह का इसमें झंझट वगैरह कुछ नहीं है दोस्तों, सीधा बोनट खोलना है, जो भी दिक्कत है आप बना सकते हैं, काफ़ी स्पेस जगह मिल जाता है आपको अन्य ट्रैक्टर के मुकाबले में, ये देखिए। आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ 3 सिलेंडर का, ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त। फुल स्पेस, और इसका इंजन दोस्तों इसी कंपनी का ही है, ये देखिए इंजन जो है इसी कंपनी का है,
डीजल के मामले में दोस्तों ये ट्रैक्टर सब ट्रैक्टर को पीछे कर देगा। ये जो है दोस्तों रोटावेटर में आपको 4 से 5 लीटर ही निकाल के दे देगा अन्य ट्रैक्टर के मुकाबले, रोटावेटर में और थ्रेसर में जो भी आप चलाना चाहते हैं बड़े आसानी से। और दोस्तों इसके वही अगर दोस्तों बात करते हैं इसके डीजल टैंक की, तो इसमें काफ़ी बड़ा 57 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है, ये देखिए। अगर दोस्तों अगर आप इसमें अगर हेवी काम करना चाहते हैं जैसे लोडर डोजर लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर लिंकेज दिया गया है, देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की, तो काफ़ी कंफर्टेबल कंपनी ने बनाया है स्टेयरिंग को, देख सकते हैं आप एक हाथ में ही इसकी स्टेयरिंग को मोड़ सकते हैं। और वहीं अगर बात करते हैं इसके अगर डिजिटल कंसोल मीटर की, तो आप देख सकते हैं इसमें RPM मीटर दिया गया है ये वाला, और ये दोस्तों आपका बैटरी का है, और ये आपका डीजल टैंक बताता है, ये आपका टेम्परेचर का है दोस्तों। काफ़ी दोस्तों अगर बात करें इसके ब्रेक की, तो ऑयल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक है। और वहीं बात करते हैं दोस्तों अगर इसके गियरों की, तो इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स दिया गया है जो कि देख सकते हैं। और वहीं साइड में दिया गया दोस्तों DC PC लीवर, ये देखिए। और इधर आपका इसका लो मीडियम न्यूट्रल का गियर, और साइड में दिया गया दोस्तों इसमें टूल बॉक्स, ये देखिए, ये आपका रिवर्स PTO चलाने के लिए लीवर है गियर का। और इधर अगर दोस्तों अगर मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहते हैं, तो इधर आपका अलग से मोबाइल चार्जर दिया गया है सॉकेट, ये देखिए। काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा दिख रहा है ये ऊपर से, AC कंपनी का ज़बरदस्त ट्रैक्टर है दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं। चलिए अब उतरते हैं, बात करते हैं इसके रियर तरफ की। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इसके पीछे तरफ के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे इसमें दिया गया है डबल डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि आप हेवी उपकरण चला सकते हैं इससे, कंपनी फिटेड है ये, जिसमें आप रिवर्सिबल प्लाव वगैरह चला सकते हैं। वहीं रिफ्लेक्टर दिया गया दोस्तों पीछे में, और वहीं साथ है पीछे में आप लाइटिंग वगैरह अटैच करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिया गया है। और बात करें दोस्तों अगर इसके रियर एक्सल की, तो देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त हेवी ड्यूटी रियर एक्सल है इसका, ये देखिए। अगर वही बात करें दोस्तों इसके लिफ्ट क्षमता के बारे में, तो इसमें 1800 केजी का आपका लिफ्ट कैपेसिटी है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों इसके पीछे के लाइटों के बारे में, तो हाइलोजन टाइप की इसमें लाइट दिया गया है, और इसमें देख सकते हैं LED टाइप का लाइट है इसमें, काफ़ी ज़बरदस्त लुक प्रदान करता है ट्रैक्टर को। ये दोस्तों अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर की प्राइस के बारे में, तो दोस्तों ये ट्रैक्टर आपको ऑन रोड RTO बीमा वगैरह सब चीज़ कुल टोटल मिला के ऑन रोड प्राइस 10,55,000 के आसपास आपको पड़ सकता है। ये दोस्तों रेट जो है आपको स्टेट के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकता है, आप अपने स्टेट के हिसाब से, ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों छत्तीसगढ़ बिलासपुर सकरी रोड की रेट है ये, जो कि अभी नया नया शोरूम खुला है, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और नया अगर वीडियो में आप नए आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे नए और अच्छे अच्छे नए ट्रैक्टर की जानकारी आपको ला के देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।